मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आलमी योम आब के मौके पर पानी के तहफ़ के मुतालिक शऊर बेदारी के लिए एक खसूसी वॉक का अहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने वॉक को झंडी दिखाते हुए तलबा और अवाम से अपील की कि वो आने वाली नस्लों के लिए पानी की बचत करें। इस वॉक में यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ साथ मानू मॉडल स्कूल के तलबा, असातिज़ा, अफसरान और गैर तदरीसी अमले के अरकान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुस्तकबिल में पानी की किल्लत के बारे में अपने नुक्कड़ नाटक के जरिए एक फिक्र अंगेज पैगाम देने की कोशिश की। अब देखते हैं कि पानी को बचाते कैसे। गाड़ी धोने के लिए पाइप का इस्तेमाल ना करें, उनकी जगह आप गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। ब्रश करते समय नल को बंद रखें। बारिश के पानी को कई तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लिहाजा बारिश के पानी को बर्बाद करने से बचें, बल्कि उसे इस्तेमाल में लाएं। जनहित में ये सोचना जारी, चर्की करो तैयारी। जनहित में ये सोचना जारी, चर्की करो तैयारी। अगर ये ड्रिंकिंग वाटर न हो तो हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी। आपको मालूम है कि यूएनओ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये दिया है कि 2.2 बिलियन लोग सारी दुनिया में ड्रिंकिंग वाटर और फ्रेश वाटर से महरूम है। आप सोचिए, अगर पानी न हो हमने क्या किया। हमने मकान बड़े बड़े बनाए, हमने सोसाइटीज बड़ी बड़ी बनाई, हमने शहर बड़े बड़े बनाए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस शहर में अगर कंटेमिनेटेड वाटर आएगा तो क्या होगा। आज हम अपने आने वाली जनरेशन को जवाब दे हैं। हम क्या जवाब देंगे अपनी आने वाली जनरेशन को, अगर हम उनके लिए एक अच्छे से अच्छा मकान, पैलेशियल हाउस छोड़ के जाएं और उसमें पानी का इंतज़ाम न हो, पीने का पानी न हो, तो यही आने वाली जनरेशन हमसे सवाल करेगी और हमसे हिसाब लेगी। उस दिन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हमने पानी को जिंदगी कहा है और इसका तहफ्फुज आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भी इसका तहफ्फुज करना है। हमको फ्रेश वाटर मिले, ऐसा न हो कि हम अपने अच्छे मकान के लिए, हम अच्छी जिंदगी की चाह में पानी से महरूम हो जाएं और हमें उस मकान में रहना नसीब न हो, बल्कि हमारी आधी जिंदगी हॉस्पिटल्स में कट जाए, हॉस्पिटल्स के बेड पर कट जाए। इसीलिए एक अवेयरनेस है, एक पैगाम है, जिसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने, हमारे यहाँ के दफ्तर के लोगों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, वॉलंटियर्स ने ये इंतज़ाम किया कि हम सारी दुनिया तक अपना पैगाम पहुँचाएंगे। मानू प्राउडली इनिशिएटिंग द जल शक्ति अभियान स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी आर थैंकफुल टू ऑनरेबल वाइस चांसलर फॉर ऑल हिज सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट एंड थैंक यू टू ऑल द वॉलंटियर्स एंड पार्टिसिपेंट्स एज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस मानू वॉक्स फॉर वाटर एज पार्ट ऑफ द जल शक्ति अभियान। थैंक यू। स्कूल बराए साइंसेस और हारून खान शेरवानी मरकज बराए मुतालियात दक्कन ने मुश्तरका तौर पर इस वॉक का अहतमाम किया था। बाद में निज़ामत फासिलाती तालीम के आगा हशर काश्मीरी ऑडिटोरियम में साइंटिफिक प्रोग्राम ज़मीनी पानी किल्लत से कसरत तक के उन्वान से मुनाकिद किया गया। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने सदारती खिताब में कहा कि पानी जिंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है, हमें यह सोचना चाहिए कि इसका किस तरह तहफ्फुज़ करें। पानी में एक वाकया है, वाकया बताते हैं, वो बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है। पानी में एक बादशाह ने दूसरे बादशाह के पास एक बड़ा सा
बर्तन, छिछला सा बर्तन लगन भेज दी और कहा इसमें सब कुछ रख के भेज दो। वो चकरा गया भाषा, इसमें सब कुछ रख के भेज दो का मतलब क्या है? बड़े बड़े लोगों को बुलाया, किसी की समझ में नहीं आया। कोई कहता था इसमें फल रख के भेज दो, कोई कहता था इसके अंदर शरबत रख के भेज दो, कोई कहता था खजूर रख के भेज दो। भाई कुछ बात बनने को नहीं, सब कुछ रख के भेज दो। एक इंटेलिजेंट आदमी था, उसने कहा इसमें पानी रख के भेज दो। पानी वो चीज है जिसमें सब कुछ है। अब देख रहे हैं ये पानी की वैल्यू। तो हमको अपने लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए ये सोचना पड़ेगा कि हम इस खुदा की दी हुई नेमत को कैसे इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें। बार बार बताया गया है, अभी कोई कह रहा था कि वजू के लिए भी उतना ही पानी सर्व कीजिए जितनी जरूरत है, वेस्ट मत कीजिए। तो ये हिदायतें हमको मिली हैं। और आपको अगर आप उपनिषद को पढ़ेंगे तो सब आके अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वायु अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, जल अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, धरती अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, अग्नि अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। लेकिन ये ब्रह्मांड बनेगा नहीं सिर्फ अलग अलग इंट्रोडक्शन से। जब इनका इकोसिस्टम बनेगा तब फिर ब्रह्मांड की रचना होगी। आप अलग, हम अलग, ये अलग, वो अलग, अपनी आइडेंटिटी तो ठीक है, कार्ड लेके जाइए, मगर जब आपको मिलाया जाएगा या आपका अम्ब्रेला बनाया जाएगा तो कहा जाएगा ये मानु के लोग हैं। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क। ये सिस्टम इसी तरह से काम चलता है इसका, इसको मिला के रखना पड़ता है। आप सब मिलके रहेंगे, ये बातें शेयर कीजिए दूसरों से भी, अपने घरों में जाइए तो इन बातों को शेयर कीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, अपने दोस्तों को, दुश्मनों को भी इन्वॉल्व कीजिए। अभी दुश्मनी तो है, उसको भी इन्वॉल्व कीजिए। जब वो आपको दरवाजे पर आप हों और आप कहें कि मुझे एक बॉटल पानी चाहिए, और जब वो पानी न दे तो दूसरे दिन जब आपके पास पानी हो तो उसके घर पर पहुंचा दीजिए कि ये लो हमारी तरफ से भी पानी ले लो। दिस लेट अस नॉट डिस्ट्रॉय दिस इकोसिस्टम। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, इसी तरह से एनवायरमेंट हमें भी पूरा कर रहा है, हमको दे रहा है, हम ले नहीं रहे हैं, हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो लेट अस गेट टुगेदर, पुट अवर हेड्स टुगेदर, थिंक अबाउट टुमारो एंड प्रिजर्व वाटर एंड प्रोवाइड क्लीन एंड फ्रेश वाटर टू ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। ये माना जाता है कि अर्थ पे जिंदगी पानी से ही शुरू हुई थी। पानी ना सिर्फ तमाम लाइफ फॉर्म्स के लिए ज़रूरी है बल्कि माहौलियाती निज़ाम के लिए कीमती खिदमत भी अंजाम देता है। तमाम मज़ाहिब पानी को बहुत अहमियत देते हैं, हम सब जानते हैं, जैसे कि जमजम वाटर हिंदुइज्म में गंगा जल है, ईसाइयों में होली वाटर है। हर मज़हब पानी को बचाने और उसके तहफ़ुज़ पर भी ज़ोर देता है। हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे फ्रेश वाटर की अहमियत और फ्रेश वाटर वसाइल के सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर तवज्जो मरकूज करने के लिए मनाया जाता है। साल 1992 में रियो डी जनारियो में एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पर यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के तौर पर मनाना करार पाया और पहला वर्ल्ड वाटर डे 1993 में मनाया गया। इस साल वर्ल्ड वाटर डे का थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, जो यूएन वाटर ने डिसाइड किया और इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर ने तजवीज किया। ज़ेरे ज़मीन पानी के तवाज़ुन के बिगड़ने की सबसे आम अलामत वाटर टेबल में कमी का होना है, इसलिए इस कीमती वसाइल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है।
पानी की हिफाजत का मतलब माहौलियाती निज़ाम के तमाम शक्लों की हिफाजत करना है। ज़मीनी पानी हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इसका असर हमें हर जगह नज़र आता है। इसलिए हमें पानी के वसाइल को सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए मिलकर काम करना होगा, और इस मकसद को जहन में रखते हुए आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ हमारे वाइस चांसलर साहब जनाब ऐनुल हसन साहब की कि उनकी सरपरस्ती में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए पानी की अहमियत का पैगाम सब तक पहुँच सके और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों में बेदारी पैदा हो सके। और जैसा कि अभी फरियाद साहब ने यहाँ पर बताया कि हम लोग मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी का टाइम है, वक्त है, और मैं चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के जरिए हम अहम मैसेजेस अपने साथ लेके जाएं। इस तकरीब में डॉक्टर वी एम तिवारी, डायरेक्टर नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, डॉक्टर वी गोविंदन कुट्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज चित्तूर, एम वैद कुमार, सदरनशीन दक्कन हेरिटेज एकेडमी ने भी खिताब किया। Let you know what Kanat system is all about. Then we'll look into the spatial distribution of Kanat system in India, and we'll look into the history, little bit history of Kanats in India. Then city-wise, I'll tell you how many Kanats are there, where they are, right, and how what's the condition of as such. And we'll look into some character-defining elements because that is the only time that we'll have during this presentation as such. So this is already based on, so the entire presentation is based on one of my papers, A Historical Appraisal of Dakkani Karais, Challenges and Prospects. This has been published in an archaeological journal called Heritage. It's a multidisciplinary journal brought out by Kerala University. From higher plane to lower area, always water flows, you know that. So they try to created water bodies in different areas because we have a beautiful rock formations and other things, and to collect water, and they connected one water body to other water body. So there's a surplus where bund we create, the least bund with a available terrain, and leave the water through surplus, any extra water above the water full tank level, it goes to surplus weir, and again nala, it goes to lower water body. So that how entire agrarian system functioned in Dakkan region. अभी आपने जो पहला भाषण सुना, you must have understood that even in the medieval age, we are dependent on the groundwater. Whatever channels, whatever the which, whether it is Nala, whether it has been talked of, Surangam, or they all originated from the groundwater. The water which goes inside the ground percolates from the surface to ground. And this is what is the call of United Nations World Waters Day, groundwater making invisible visible. So whatever we do today, the way we survive, it's very much on the groundwater. And I must tell you that even the present day surface water storage or the connection between surface and groundwater is making a lot of impact. CSIR NGRI ने नवीन हेलीबॉर्न ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैनिंग तकनीक को अपनाया है, जो कि कम समय में मीटर पैमाने पर जलभृत प्रणाली की सूचना देने की क्षमता रखती है, जिससे किफायती तरीके से तेजी से बड़े भूभागों की जांच की जा सकती है। इसी के साथ मैं अपील करूंगा आप सब लोगों के लिए कि whether you'd like to in the left side or in the right side of this slide, it's to you, and you have to take decisions. This is the decade for the action, water for the sustainable development. Sari nadiyan aur talab ya kuch bilkul sookhe dikhai dete hain summer mein, jo ki pehle nahi tha. Aap jo log purane hain wo jante hain is cheez ko. Kabhi socha aapne kyun aisa hota hai?
ये सब जो है ग्राउंड वाटर की वजह से होता है जिसे हम नहीं देख सकते। हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, हमें करना क्या है आगे। अभी आपने देखा 3 लेक्चर बहुत ही अच्छे और बिल्कुल टू द सब्जेक्ट हुए थे आज। तो आज का मैसेज यही है कि हमें दोनों साइड से करना है, और जो UN का है कि भाई ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ये तो ठीक है, लेकिन हम उसके और आगे बढ़ना चाहते हैं कि ग्राउंड सिर्फ इनविजिबल बनाने विजिबल बनाने से काम नहीं चलेगा। हमारा मैसेज ये होगा कि वी हैव टू पुट द ग्राउंड वाटर इनटू द माइंड ऑफ द पीपल। सो दैट्स द लास्ट मैसेज। थैंक यू सर।